साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ही वॉज नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। पियाजे ने अपनी प्रोफेशनल कैरियर में बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपना पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था। पियाजे's इंटरेस्ट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन नेफ्यू एंड डॉटर। पियाजे का विश्वास था कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है। जैसे ऐसे एक बच्चा अपने आसपास से नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करता रहता है, वह अपने पुराने आइडियाज़ या स्कीमास को एडिट करता है, मॉडिफाई करता है। इस तरह वह लाइफ लॉन्ग अपने नॉलेज को बिल्ड करता रहता है। पियाजे के अनुसार एक चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस से पास होता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक और फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से ऊपर। पियाजे का मानना था कि फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इन 4 स्टेजेस से पास होना जरूरी है। चलिए एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर, बर्थ से 2 साल तक। जैसा कि नाम है स्टेज का, इसमें 5 सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम अपने सेंसेस को मूवमेंट एंड एक्सपीरियंसेस से डेवलप करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में कुछ बेसिक एक्शन की हेल्प से समझते हैं, जैसे देखकर, सुनकर, उंगली पकड़कर, सक करके। यह वह स्टेज है जहां पर छोटे बच्चे के लिए हर एक नई चीज़ मैजिक की तरह काम करती है। इस स्टेज में बच्चे की नॉलेज में बहुत ड्रामेटिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बच्चा हर दिन टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ नई डिस्कवरीज करता है। पियाजे के अकॉर्डिंग इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो डेवलप होता है वह है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा सीखता है कि चीज़ें भले ही उन्हें ना दिखें, फिर भी वह एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह से बच्चे में वर्किंग मेमोरी डेवलप होती है। जैसे ऐसे बच्चे के सेंसेस डेवलप होते हैं, उसकी मोबिलिटी बढ़ती है। पहले वह क्रॉल करता है, फिर वॉक और फाइनली दौड़ना शुरू कर देता है। वह नई नई चीज़ें देखता है। जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंसेस उसे मिलते हैं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। मोर एक्सपीरियंसेस लीड्स टू मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को सिंबल्स के फॉर्म में सोचना शुरू करता है और सिंबल्स पिक्चर्स की हेल्प से कम्युनिकेट भी करता है। जैसे छोटे बच्चे अपनी फैमिली की ड्राइंग्स बनाते हैं, दो नॉट एग्जैक्टली अप टू द स्केल। एक तरह से ये लैंग्वेज की इमर्जेंस को दर्शाता है, पर बच्चे अभी भी ईगोसेंट्रिक होते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक। इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टिंग, जैसे कि चीज़ों को सीक्वेंस में रखना साइज या कलर के अनुसार। दूसरा एक और कंसेप्ट जो बच्चे समझते हैं वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वह यह समझ जाते हैं कि एक पतले ग्लास में रखा हुआ पानी और एक छोटे और चौड़े कप में रखे हुए पानी की मात्रा बराबर है। बच्चे की थिंकिंग यहाँ पर काफ़ी लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, पर बच्चे अभी भी ईगोसेंट्रिक ही रहते हैं। स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 12 साल से ऊपर की स्टेज है। इस स्टेज में सबसे मेजर डेवलपमेंट जो होता है वह है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जैसे सक्सेस, फेलियर, मोरालिटी, लव और हेट के कंसेप्ट को समझना। बच्चे के अंदर फिलोसफाइज करने की कैपेसिटी आ जाती है, मेटा थिंकिंग एबिलिटी उसमें आ जाती है। फाइनली वह डिडक्टिव रीजनिंग भी कर पाता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल 2 हाइपोथेसिस हैं, उनसे लॉजिकली कंक्लूड करना। हाइपोथेसिस 1 है बिल्ली को दूध पसंद है, हाइपोथेसिस 2 है कि किट्टू एक बिल्ली है। इसको पढ़कर बच्चा लॉजिकली कंक्लूड करके कहता है कि किट्टू एक बिल्ली है। फ्रेंड्स, होप आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा होगा। डू शेयर, स्प्रेड द वर्ड, डू सब्सक्राइब द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।